बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आनंद मोहन के बेटे की जो सगाई होनी है हो भी गई है, उसके में उनको जो तोहफा मिला है यानी कि उनकी रिहाई की जो तोहफा मिली है, अब इस पे बिहार की जो सियासत है वो आनंद मोहन पे आ चुकी है, क्योंकि सारे लोग चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू हो, सब आनंद मोहन पर बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन को रिहाई करना कोई गलत नहीं है। ये भाजपा वाले लोग भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विजय सिन्हा जो एक विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, भाजपा के भी वो नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि आनंद मोहन की तो रिहाई हो गई लेकिन उनके साथ साथ दो दर्जन से भी अधिक जो उनके जेल में बंद थे उनको भी रिहा कर दिया गया और इस पर बिहार सरकार और जो लोग हैं उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो उस समय जब मैं बोला था नीतीश कुमार को उनको कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं, जो कोर्ट का काम उसे कोर्ट को करने दीजिए, तब उस समय आपको उस समय अगर देखे होंगे न्यूज़ वीडियो तो उस समय देखा होगा आपने कैसे किस प्रकार से दोनों यानी मुख्यमंत्री बिहार के सूबे के मुखिया जो हैं वो नीतीश कुमार और इधर जो उस समय विधानसभा के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे यानी कि विजय सिन्हा उनके बीच तो नोक झोंक भी होते हुए नजर आई थी। फिलहाल आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। बिहार के अंदर चोर दरवाजे से जिनको सत्ता में बैठाए हैं, जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आज वो व्यक्ति जो जो खेल बिहार के अंदर खेल रहे हैं ये बिहार का सम्मान और गौरव नहीं बढ़ा रहे, बिहार के ऊपर बोझ बनकर बिहार के लोगों को लज्जित कर रहे हैं। आप बता दें कि बिहार को जंगल राज को जिस दिन मुख्यमंत्री ने जनता राज बताया था, हमने भी प्रतिवाद किया, बिहार के हर बुद्धिजीवी ने प्रतिवाद किया, और आज जनता राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। तमाम अपराधी, जो कुख्यात अपराधी है जिसकी डायरेक्ट संलिप्तता है आनंद मोहन जी के आर में, उस सब को छोड़ा जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है कि इसके नाम पर हम पूरे बिहार के अंदर गुंडों का राज साम्राज्य स्थापित करेंगे, ये कतई स्वीकार नहीं है। ये बिहार के लोगों का अपमान है, उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी का अपमान है। आज उसके विधवा को, उसके बच्चे को सरकार न्याय दे रही है। आज तमाम जो अपराधी कई लोगों की हत्या किया है, उसकी इज्जत आबरू को नस्नाबूद किया है, उसको न्याय है। अरे आपको छोड़ना है, केस उठाना है तो सबसे पहले वो दलित अति पिछड़ा कमजोर तबका के लोग, जो 4 लाख लोग जेल गया था, उन 4 लाख लोगों से केस उठा लेते, अपने पाप का पश्चाताप करते। 7 लाख लोगों पर जो मुकदमा चल रहा है उस पर विचार करते, न्यायालय का लोड भी घटता, कानून स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को सजा दिलवाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप जो खेल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार के अंदर दहशत पैदा कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक आनंद मोहन जी के बारे में आपको लगता है कि गलती हमसे हो गई, जेल मैनुअल में 2016 में संशोधन हमने गलत किया, तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। सदन के अंदर जिस दिन ध्यानाकर्षण उसका पुत्र लाया था, मैं ही तो अध्यक्ष था, हमने ही शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज थी और 12:30 बजे सदन बंद होता था, और उसके बाद सदन में वो मामला आया और हमने पूछा कि क्या जुम्मे की नमाज को छोड़ के इस पर चर्चा करावे, तो राजद के उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा हाँ हाँ चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुआ भी। किस हद तक परंपरा को तोड़ते हैं
और किस हद तक कानून को बदलकर अपने सत्ता और कुर्सी के लिए नीचे गिर सकते हैं, मैंने उस दिन भी देखा। मैंने हंसा भी कि सत्ता और कुर्सी के लिए लोग नीचे कितने जा सकते हैं, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। जो उन 1986 से जेल के अंदर बंद है, कितने लोग हैं जो 14-16 साल नहीं 20 साल से ज़्यादा बंद है, जिस पर बहुत गंभीर मामला नहीं है, उसकी सूची जारी क्यों नहीं हुई? चुन चुन कर करके आप वैसे अपराधी को निकाल रहे हैं जो आपको कुर्सी तक पहुंचाएगा। लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में हर जाति में कई गुंडा पैदा किया था, और वो गुंडा अपने जात को ही विधवा बनाता था, उसके बच्चे को अनाथ करता था, लेकिन दोबारा लौट नहीं सका। मुख्यमंत्री जी, आपका ये विदाई का सबसे बड़ा संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी आज आपके अपराधियों की गोली से शिकार हो रहे और प्रशासनिक अराजकता से शिकार हो रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाएगा पूरे राज्य के अंदर। जो आप जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, बिहार की जनता एक बार भोग चुकी है, आपके जातीय नरसंहार को देख चुकी है, कोई लाभ नहीं हुआ। अब बिहार को शांति चाहिए, विकास चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ के लिए अंतिम लड़ाई बड़े भाई छोटी भाई से मुक्ति का बिहार का आंदोलन होगा। लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का महामंत्र को स्थापित किया जाएगा। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से विजय सिन्हा तमाम जो पार्टियां हैं जो बिहार में केंद्रित है, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार, ज़्यादातर हमलावर वो नीतीश कुमार पे आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहे थे, और जो नियमावली जो चेंज की गई और जो साथ में 26 कैदियों की जो रिहाई हुई है, उस पर विजय सिन्हा साफ साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसमें जो करना था तो आनंद मोहन तो छूट ही गए, लेकिन उनके साथ साथ जो 26 और कैदी, यानी 2 दर्जन से और जो अधिक कैदी रिहा हुए हैं, उन पर क्या कुछ करना है। फिलहाल ऐसी आपको हम बताएं कि विजय सिन्हा का जो प्रतिक्रिया था जो नीतीश कुमार पे, उसको हमने आपको सुनवाया। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार संवाददाता, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।